घर सुल्तानपुर फाउंडेशन द्वारा दीवानी न्यायालय में हुआ प्याऊ का उद्घाटन। 3 निःशुल्क प्याऊ की स्थापना की गई, जिसमें दीवानी न्यायालय आने वाले फरियादियों एवं यहां के वकील व कर्मचारियों को शीतल जल अब से मिलने लगेगा। सुल्तानपुर में स्थापना दिवस पर अंकुरण फाउंडेशन ने लगाया रक्तदान शिविर। अपना 5वां स्थापना दिवस मना रहा है अंकुरण। अंकुरण के सदस्यों ने रक्तदान किया, कपड़ा वितरण कर मनाया स्थापना दिवस। अंकुरण की वरिष्ठ सदस्य निरुपमा श्रीवास्तव ने मजदूरों को बांटे कपड़े व अन्य सामग्री। सुल्तानपुर जिला चिकित्सालय में बन रहे मेडिकल कॉलेज निर्माण का निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी रवीश गुप्ता व मुख्य विकास अधिकारी अतुल वस। निरीक्षण के दौरान डीएम ने महिला अस्पताल में जमीन पर बैठे तीमारदारों को देख सीएमएस को लगाई फटकार। जिला अस्पताल पुरुष में जिलाधिकारी ने आयुष्मान वार्ड में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। पानी किल्लत पर जिलाधिकारी ने कहा कि बहुत जल्द ही अस्पताल में पानी की व्यवस्था कराई जाएगी। सुल्तानपुर में बेखौफ सातिर चोरों ने एक ही इलाके की 4 दुकानों को बनाया अपना निशाना। ज्वेलर्स जनसेवा केंद्र, मेडिकल स्टोर सहित पैथोलॉजी सेंटर को सातिर चोरों ने अपना निशाना बनाया। लाखों के करीब माल पर हाथ साफ कर सातिर चोर फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। बीती रात गोसाईगंज थाना क्षेत्र के मोतीगंज बाजार का ये मामला है। जांच पड़ताल कर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। सुल्तानपुर में अधिवक्ता पुत्री के दहेज हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से अधिवक्ताओं में रोष। होली के दिन अधिवक्ता पुत्री की दहेज हत्या से जुड़ा यह मामला है। पुलिस अधीक्षक के आश्वासन के बावजूद भी नहीं हुई कोई ठोस कार्रवाई। साधारण सभा की बैठक कर ठोस कार्रवाई की मांग की गई है। फतेहपुर जिले के शांति नगर स्थित BYS अस्पताल के संचालक प्रकाश सिंह चौहान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्डिंग मालिक डॉक्टर बीके सिंह पर आरोप लगाया है। 4 महीने पहले अस्पताल चलाने का एग्रीमेंट 60% और 40% में सारे खर्च काटने के बाद हुआ था। अस्पताल को विधिवत चलता देख डॉक्टर बीके सिंह ने अस्पताल पार्टनरशिप में चलाने को कहा। सहमति न होने पर एग्रीमेंट की कापी फाड़ कर फेंक दी और तुरंत अस्पताल खाली करने की हिदायत दी है। अस्पताल संचालक ने आरोप लगाया है कि मेरे महिला स्टाफ के साथ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए मुझे जूते मारकर निकाल देने की धमकी दी गई है, जबकि मेरा 14 लाख रुपए डॉक्टर बीके सिंह से चाहिए, मेरा रुपए देने से इनकार कर दिया है। प्रशासन से शिकायत करते हुए रुपया वापस करने और अस्पताल खाली कराने का समय दिलाए जाने हेतु न्याय की गुहार लगाई गई है। अचानक से मेरे पास फोन आता है कि भैया ऐसा है कि 2.5 लाख रुपए महीना आप टैक्स दे दीजिए या तो आप तुरंत इस हॉस्पिटल से हट जाइए। ऐसा क्यों कर रहा ये, उन्होंने क्या मंशा है ये वो जानते हैं। हमारी मंशा इस अस्पताल को चलाने की थी, जो हमारा उनका तय था 60-40 का रेशियो बिल्कुल उस पर अभी भी निर्धारित है। लेकिन उनका कहना है कि अगर आपको अपने हिसाब से चलाना है तो आप 60-40 को नहीं 2.5 लाख रुपये महीना दीजिए, नहीं तो मेरे हिसाब से चलेगी जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे चलेगा। आपके अलावा पहले भी शिकार हो चुके इस मेरे अलावा करीब 4 लोग इसमें शिकार हो चुके हैं, क्योंकि नाम अभी मैं नहीं लेना चाहूँगा। आप ये चीज़ मार्केट में सबको बताया कि 4 लोग यहाँ पे आए, 3-3 महीने में उनका हिसाब किताब उन पर चढ़ा करके उनको हटा दिए। यहाँ पे मन मर्जी चलती है कि जब तक आपका मन हो तब तक आप काम करने देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अयोध्या में रामनवमी मेले के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधा के दृष्टिगत यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलने हेतु दोपहिया चार पहिया वाहनों के लिए बनाई गई पार्किंग का पुलिस महानिरीक्षक व अन्य अधिकारीगणों द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं में गिरने से अधेड़ की मौत हो गई। ग्रामीणों व पुलिस की मदद से शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पीएम के लिए भेजा है। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के ककुआ गाँव का ये मामला है। हर वर्ष की भांति नवरात्रि के पावन अवसर पर आज शक्ति माँ देवी हिंगलाज मंदिर दादरा में अमेठी सांसद व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा भेजी गई पूजन सामग्री को उत्थान सेवा संस्थान के प्रबंध निदेशक महेंद्र नाथ पांडे के द्वारा मंदिर में पुजारी को भेंट की गई। मंडल अध्यक्ष महेंद्र मिश्रा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अमेठी में अपर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार पांडे द्वारा नवरात्रि व रमजान के दृष्टिगत थाना क्षेत्र मोहनगंज में आम जनमानस में विश्वास व सुरक्षा का वातावरण बनाने के उद्देश्य से पुलिस बल के साथ बाजारों एवं भीड़भाड़ वाले इलाकों पर पैदल मार्च किया गया तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों से भ्रमण करते हुए वहां पर मौजूद स्थानीय लोगों एवं दुकानदारों से वार्ता की गई एवं उनकी समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई एवं उनके निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। अमेठी के तिलोई में बिजलीकरण की चपेट में आने से बकरी की दर्दनाक मौत हो गई। तिलोई तहसील परिसर में जमीन पर दौड़ रही थी विद्युत लाइन, जिसे तहसील परिसर में कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका है। जिम्मेदार लोग इससे अनजान बने हुए हैं। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज